जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हम फ्लू के बारे में, जो सर्दी जुखाम और उसके साथ में बुखार होता है, सिर दर्द भी होता है और कई बार बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है बच्चों में और बुजुर्गों में, और जो नॉर्मल अडल्ट लोग हैं उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली जो वेदर चेंज होता है इस समय बहुत ज़्यादा इस तरह की केसेस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है। और कई बार जो फीवर है, कोरोना के बाद से ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो फीवर है वो बहुत दिनों तक नहीं उतरता है, थकान हमेशा बनी रहती है और बार बार फीवर हल्का हल्का रहता है, कम से कम 7-8 डेज खींच लेता है और कई बार 15 डेज भी खींच लेता है। तो होम्योपैथी कैसे आपको इन सब में मदद कर सकती है, कैसे आप सिम्टम वाइज मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं और कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं जिससे फ्लू, फीवर, सर्दी, जुकाम, हेडेक, बॉडी एक पूरा आपका खत्म हो जाए, तो इसी के बारे में ये वीडियो है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छा लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और चैनल का पूरा फायदा आपको मिल सके। तो बात करते हैं फ्लू के बारे में। अभी जो वेदर चल रहा है, फरवरी से मार्च का जो समय आ रहा है, इस समय ये केसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जो फीवर है, अधिकतर जो केसेस होते हैं एलोपैथी ट्रीटमेंट लिए हुए भी आते हैं पर्सन की, मतलब 3 डेज हो गए फीवर उतरा नहीं और बॉडी पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी को जुखाम हल्का रह जाता है, किसी को छींके रह जाती है और किसी को कफ रह जाता है। तो होम्योपैथी से आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, इसी के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है। इस फ्लू में आपको क्या करना है, जो मेडिसिन से कौन सी मेडिसिन आपको कैसे लेनी है, सिम्टम वाइज मैं आपको बताती जाऊंगी, आप उसके हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। चाहे तो एलोपैथी मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इंडिविजुअली भी इन मेडिसिन को ले सकते हैं। फीवर उतरने के बाद भी इतनी बेनिफिशियल है, अगर आपको हल्के फुल्के सिम्टम्स रहते हैं और अगर फीवर आ रहा है तो भी ये मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल, तो आप साथ में भी ले सकते हैं और इंडिविजुअली भी इन मेडिसिन को ले सकते हैं। पहले जो 5-6 मेडिसिन है उसमें से आपको एक का सिलेक्शन करना है और लास्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसमें से वो जो मेडिसिन है उसका आप कॉम्बिनेशन बना के सभी लोग यूज कर सकते हैं, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी यूज कर सकते हैं। मैं डोजेस भी उसमें बता दूंगी बच्चों को कितनी लेनी है और बड़े लोगों को कितनी लेनी। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एकोनाइट 30। आप जानते हैं फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, जब घबराहट बहुत ज्यादा हो, बहुत तेज फीवर आ रहा है, सर्दी जुखाम छींके बहुत तेज चल रही हो, बहुत ज्यादा एकदम से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, अचानक से हुई है, ठंडी हवा के लगने से हुई है, तो एकोनाइट 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह, 2 पर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। अगर कंडीशन बहुत सीवियर है, बहुत तेज प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एकोनाइट 200 भी ले सकते हैं, 2-2 घंटे में भी आप इसको ले सकते हैं अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 कब बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, जब अचानक से प्रॉब्लम होती है, फेस आपका पूरा लाल हो रहा है या चेहरा पूरा लाल हो रहा है, छींके बहुत ज्यादा और स्पेशली सर दर्द बहुत ज्यादा है और इरिटेबल सा है पर्सन, और या तो इरिटेबल सा है या फिर उसको उस कंडीशन से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, वो प्लेफुल है लेकिन फीवर जो है वो 102 तक भी जा रहा है, तो बेलाडोना 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। सीवियर कंडीशन में आप इसकी 200 पोटेंसी भी यूज कर सकते हैं, इसको 2-2 घंटे में भी आप दे सकते हैं, कंडीशन ज्यादा खराब होती है तो, बहुत ज्यादा फीवर होता है तो आप इसको 2-2 घंटे, 102 तक अगर जा रहा है 100 से 102 के बीच में, तो आप इसको 2-2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है यूपेटोरियम 30। यूपेटोरियम 30 डेंगू फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपने मेरा डेंगू का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको बताया था मैंने कि जब बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है, सिर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, फीवर बहुत एक्सट्रीम है, तो यूपेटोरियम पर बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब बॉडी में बहुत सीवियर पेन, जैसे कि हड्डियां तोड़ दी हो, इतना अगर आपको दर्द है, तो केवल यूपेटोरियम 30 जो है ये अकेली मेडिसिन ही आपका फीवर पूरी तरह से खत्म कर देगी। 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने की जरूरत है और इसको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, 30 लेने के बाद आपको थोड़ी देर आराम लगा, फिर अगर आपको आराम नहीं लग रहा है, वापस प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उसके आप 200 पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है फीवर की बहुत अच्छी, उसका नाम है जलसीमियम 30। जलसीमियम 30 कब यूजफुल रहती है, जब बॉडी एक बहुत ज़्यादा है, सुस्ती सी छाई हुई है, कमर में ठंड लग रही है, बैक में ठंड लग रही है आपको, और आंखें जो है वो खोली नहीं जा रही है, सर दर्द भी है, छींके भी आ रही है और धूप में जाने पे तकलीफ बढ़ रही है, आंखें बिल्कुल ऐसी हो रही है जैसे कि नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है और उसको खोलने में दिक्कत हो रही है, पर्सन जो है चुपचाप पड़ा हुआ है, तो जलसीमियम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी आप 200 पोटेंसी भी यूज कर सकते हैं, इसको 2-2 घंटे में भी आप रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है बहुत ही बेनिफिशियल इस तरह की प्रॉब्लम के लिए, फीवर के लिए, उस मेडिसिन का नाम है डलकामारा। डलकामारा कब यूजफुल रहती है, जब नमी वाला मौसम है, बाहर बारिश हो रही है और अगर आपको अंदर फीवर आ गया है, तो डलकामारा 30 बहुत यूजफुल मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार
सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन दे सकते हैं और कंडीशन से पूरी तरह से राहत पा सकते हैं। तो अगर बच्चों के केस में लें तो भी आपको दो दो बूंद ही देनी है, और अगर बड़ों के केस में देखें तो भी दो दो बूंद ही देनी है। लेकिन जो मैं अभी आप कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन बड़ों को लेना है 20 बूंद आधा कप पानी में 3 से 4 बार दिन में, और जो बच्चे हैं उनको लेना है 10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 से 4 बार। बच्चे कौन से? जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको 10-10 बूंद सफिशियंट है, और 10 साल से बड़े लोग जो भी हैं बच्चे, 10 साल से बड़े बच्चे हैं और जो बड़े लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं उनको 20-20 बूंद लेनी है। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको 5 मेडिसिन लेके आनी है। सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है स्वर्डिया चिरायता मदर टिंचर। ये किसी भी तरह के फीवर में बहुत अच्छी मेडिसिन, आपकी बॉडी से एलर्जी को निकालती है। अगर मसल्स में कहीं सूजन आ रही है, कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल बैक्टीरियल किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो इस मेडिसिन को बहुत बेनिफिटली यूज किया जाता है आयुर्वेद में भी और होम्योपैथी में भी। तो इस मेडिसिन का आपको जरूर इस मेडिसिन कॉम्बिनेशन में लेना है। दूसरी जो मेडिसिन है वो चाइना मदर टिंचर। चाइना मदर टिंचर जो है स्पेशली मलेरिया के जो केसेस होते हैं उसमें बहुत बेनिफिशियल रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लू के केस में इसका कोई कम इफेक्ट है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है चाइना मदर टिंचर, जो आपको इस कॉम्बिनेशन में यूज करनी है। ये मलेरिया के केसेस में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, लेकिन दूसरे तरह के जो फीवर होते हैं उसमें भी बहुत बेनिफिशियली वर्क करती है फ्लू के केसेस में। जब ब्लड प्योरीफायर अगर आप चाहते हैं, ब्लड में इम्प्योरिटीज आ जाती है, बार बार अगर आपको फीवर आता है और बहुत तेज फीवर रहता है, कभी स्लो फीवर रहता है, रेगुलर आपका शरीर गर्म रहता है, तो चाइना मदर टिंचर बहुत अच्छी मेडिसिन की तरह काम करती है। तीसरी जो मेडिसिन है वो इचिनेशिया मदर टिंचर। इचिनेशिया मदर टिंचर क्या है? एलर्जी पे वर्क करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आपको जब सर्दी जुकाम हो रहा है, बहुत ज्यादा छींके लगती है, बार बार एलर्जी के कारण फीवर आता है, तो इचिनेशिया मदर टिंचर जो है बहुत बेनिफिशियली वर्क करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है बैप्टिशिया मदर टिंचर। बैप्टिशिया मदर टिंचर जो है स्पेशली टाइफाइड के केसेस में बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन दूसरे तरह के जो फीवर होते हैं उसमें भी मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल है। जब स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो, स्टमक में दर्द हो रहा हो, पूरे बॉडी में पेन हो रहा हो और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा हो, बहुत प्रोलॉन्ग फीवर चल रहा हो, तब भी बैप्टिशिया मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल रहती है। टाइफाइड का मैंने एक वीडियो बनाया है बैप्टिशिया के ऊपर, कि जब टाइफाइड आपको काफी समय से है, बहुत लंबे से चल रहा है, पूरा तरह से खत्म नहीं हो रहा है, बार बार हो जाता है, या 1 मंथ से भी ज्यादा वो खींच रहा है, शरीर गर्म रहता है, बॉडी में पेन रहता है, उसके जो जीवाणु है कह सकते हैं बैक्टीरिया, वो अभी तक आपके खत्म नहीं हुए, तब भी बैप्टिशिया मदर टिंचर बहुत काम करती है। तो अगर आप शुरू में ही फीवर के अगर इस तरह की मेडिसिन ले लेते हैं तो किसी भी तरह की जो आपके बॉडी में इन्फेक्शन है वो बहुत फास्ट निकलता है, मसल्स पेन और जो बॉडी में आपका पेन बना हुआ है वो भी इनसे ठीक हो जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन की वो है यूपेटोरियम मदर टिंचर। यूपेटोरियम मदर टिंचर का वही काम है, जो बॉडी पेन अगर बहुत हो रही है, अगर आपके ब्लड में भी इन्फेक्शन है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी तरह का है, को बार बार अगर फीवर होता है, शरीर में बहुत ज्यादा पेन, जैसे कि हड्डी तोड़ दी हो, इस तरह का अगर दर्द रहता है, तो यूपेटोरियम मदर टिंचर बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो क्या करना है, ये जो 5 मदर टिंचर है इनको आप मिला लीजिए। जो बच्चे हैं मैं बता ही चुकी हूँ, वो 10-10 बूंद आधा कप पानी में ले सकते हैं 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं, और जो बड़े लोग हैं 10 साल से बड़े जो हैं उनको 20 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 से 4 बार इसको लेने की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मेडिसिन बताई थी उनमें से किसी भी एक मेडिसिन का, एक या दो मेडिसिन का आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उन मेडिसिन को इस मेडिसिन के साथ रिपीट कर सकते हैं, जिससे जो आपका फ्लू फीवर जो है, बॉडी पेन जो है, छींके जो है बहुत चल रही, नाक बह रहा है, या बहुत ज़्यादा आपके गले में इचिंग इरिटेशन जो प्रॉब्लम हो रही है वो सारी खत्म हो जाएगी। यही था वीडियो फ्लू के बारे में। अभी जो वेदर चेंज हो रहा है और जो छींके, सर दर्द और जो खांसी, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, उसके बारे में कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।